Hi friends, welcome to the desk, Deva English Spoken Class. Friends, nowadays I am teaching you about the condition and suppositions. Today I will teach you about the ones provided and on condition. Okay friends, so let's start the class of the day. Friends, you know very well what is the condition and suppositions. Means वैसे sentences जिसमें एक भाग में कुछ शर्त रखा जाता है और दूसरे भाग में कुछ पूरा होने की उम्मीद नहीं होती है या होती भी है या संभावना होती है या बिल्कुल ही संभावना नहीं होती है. ठीक है friends, तो आज हम आपको बताएंगे कि ones का इस्तेमाल condition and supposition वाले sentences में कैसे करते हैं, provided का कैसे करते हैं और unconditioned का कैसे करते हैं. ठीक है, तो शुरू करने से पहले हम देखते हैं वो English video. Yes, please. Is Mumbai Mail running on right time? I heard so. When I got down from the taxi outside the station, the porter told me that it was running on time. Oh, quite fortunate for us, considering the irregularity of trains nowadays. Let's hope the train comes on right time. I have to reach Mumbai till down morning. So you are going to Mumbai? I am travelling only up to Nasik. Oh, I see. Do you live at Nasik? Yes, sir. I am practicing in district court there and I am Surekha. May I know your good name, please? Thank you very much, Surekha. I am Deva Singh, doing my independent business in Mumbai. I am very glad to make your acquaintance. So, let's go to the platform number 7. Train will come there. Of course. Let's go. Let's go. Come. Okay friends, come. Ones, provided and on condition. Provided and on condition is the same. ये दोनों शब्द same है, या तो provided का इस्तेमाल कीजिए या condition का. ठीक है, पहले हम ones का इस्तेमाल देखते हैं. Ones का इस्तेमाल आप लोग जानते होंगे कि वर्ड्स का इस्तेमाल सिर्फ कंडीशन और सपोजिशन में ही नहीं करते हैं, हम किसी और तरह के सेंटेंस में भी करते हैं. जैसे एक समय की बात है, तो एक समय की बात है आपने पढ़ा होगा किताबों में, वंस अपॉन अ टाइम. तो उस तरह के सेंटेंसेस में भी हम करते हैं. जैसे एक समय की बात है, वंस अपॉन अ टाइम, एक बार मैं वहां गया था, तो वंस आई वेंट देयर. अब यहां पर यह नहीं बोलेंगे कि वन टाइम आई वेंट देयर, ऐसा नहीं बोलेंगे. बोलचाल में अगर बोलते हैं तो सामने वाला समझ जाएगा कि क्या बोलना चाह रहा है, बट दिस इज राइट. ओके फ्रेंड्स, एक बार के लिए हम यहां पर वंस का इस्तेमाल करेंगे. एक बार उसने मुझसे कहा था, वंस ही टोल्ड मी. एक बार मैं वहां गया था, वंस आई वेंट देयर. ठीक है, अभी वंस का इस्तेमाल हम कंडीशन एंड सपोजिशन वाले सेंटेंसेस में कैसे करते हैं. जैसे यहां पर यदि एक बार निर्णय करो तो उस पर डटे रहो. यहां पर यह सेंटेंस है कि यदि एक बार निर्णय करो तो उस पर डटे रहो. तो यहां पर हम पहले लिखेंगे वंस. वंस इसमें कंडीशन बता रहा है, कंडीशन है कि एक बार तुम निर्णय कर लेते हो कुछ भी तो उस पर डटे रहो. एक बार कुछ भी फैसला ले लिया तो उस पर डटे रहो. यदि एक बार निर्णय करो तो उस पर डटे रहो. तो वंस यू टेक डिसीजन स्टिक टू इट, उस पर डटे रहो. दिस इज अ फ्रेज, स्टिक टू इट. अगर एक बार वादा करो तो उसे निभाओ. वंस यू मेक प्रॉमिस Keep it. Once you make promise, keep it. अगर एक बार वादा करो तो उसे निभाओ. ठीक है फ्रेंड्स, अगर एक बार चोरी करोगे तो बुरी संगत में पड़ जाओगे. Once you steal, you will
fall in bad company. ठीक है फ्रेंड्स, वंस यू स्टील यू विल फॉल इन बैड कंपनी. दिस इज वेरी सिंपल, बस समझना आपको कि यहाँ पर एक बार जो लिखा है उसके लिए क्या इस्तेमाल करना है हमें. तो एक बार के लिए वंस, और उसके बाद जैसा सेंटेंस हो वैसा हम बना देंगे. ठीक है, अभी हम सीखेंगे यूज ऑफ प्रोवाइडेड और ऑन कंडीशन. बोथ आर द सेम, बट दोनों में से हम किसी भी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं. अभी मैंने यहाँ पर सेंटेंसेज लिख दिया है, प्रोवाइडेड वाला या ऑन कंडीशन वाला. अभी हम इसको बनाते हुए समझते हैं. मैं आपको पैसे उधार दे सकता हूँ बशर्ते आप एक हफ्ते में लौटा दें. तो आई कैन लेंड यू मनी, जैसा सेंटेंस हम वैसा ही बनाएंगे, इसमें कोई ज़्यादा कुछ करना नहीं है. तो आई कैन लेंड यू मनी बशर्ते, बशर्ते मीन्स प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड यू रिटर्न इट इन अ वीक. या इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं कि आई कैन लेंड यू मनी ऑन कंडीशन दैट. तो यहां पर ऑन कंडीशन लिखेंगे. अगर हम ऑन कंडीशन लिख रहे हैं यहां पर प्रोवाइडेड की जगह पर, तो दैट लिखना पड़ेगा. जैसे आई कैन लेंड यू मनी प्रोवाइडेड की जगह पर ऑन कंडीशन लिखेंगे कि आई कैन लेंड यू मनी ऑन कंडीशन, फिर उसके बाद दैट लिखना पड़ेगा, दैट यू रिटर्न इट इन अ वीक. ठीक है फ्रेंड्स, मैं तुम्हारी गलती इस बार माफ कर सकता हूं बशर्ते कि तुम ऐसी गलती फिर ना करो. आई कैन एक्सक्यूज यू बशर्ते, ऑन कंडीशन दैट यू डोंट कमिट दिस मिस्टेक अगेन. ठीक है फ्रेंड्स, मैं तुम्हारी गलती इस बार माफ कर सकता हूं बशर्ते कि तुम ऐसी गलती फिर ना करो. आई कैन एक्सक्यूज यू ऑन कंडीशन दैट यू डोंट कमिट दिस मिस्टेक अगेन. अगर यहां पर हम प्रोवाइडेड लिखते हैं तो आई कैन एक्सक्यूज यू प्रोवाइडेड यू डोंट कमिट दिस मिस्टेक अगेन. या तो आप प्रोवाइडेड का इस्तेमाल करो या ऑन कंडीशन का इस्तेमाल करो, बट कंडीशन यही है कि अगर आप प्रोवाइडेड का इस्तेमाल करते हो तो उसमें वहां पे दैट लगाने की जरूरत नहीं है. अगर आप ऑन कंडीशन का इस्तेमाल करते हो तो वहां पर दैट लगाना पड़ेगा कंडीशन के बाद. ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी हमारी प्रोवाइडेड और ऑन कंडीशन का इस्तेमाल कंडीशन एंड सपोजिशन वाले सेंटेंसेज में. ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा. फिर भी अगर कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट करके आप पूछिए, मैं जवाब जरूर दूंगा. ठीक है फ्रेंड्स, तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद.